गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने व्याकरण का पाठ 7 विशेषण का अभ्यास कै कै गै गै न किया था, तो आज हम चेक कर रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा इसको ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, फिर अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिखना। पहला प्रश्न है, विशेषण से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य मतलब है विशेषण के भेदों का नामोल्लेख कीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषणों में किन किन विशेषताओं का समावेश होता है, कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषणों में निम्नलिखित विशेषणों का समावेश होता है। नंबर 1 रंग बोधक, इसमें नीला, हरा आदि। दूसरा आकार बोधक, छोटा, मोटा, पतला आदि। काल बोधक, वर्तमान, आधुनिक आदि। चौथा गुण बोधक, पवित्र, ईमानदार, योग्य, अयोग्य आदि। थर्ड क्वेश्चन है, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषणों में अंतर लिखिए। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण दोनों में समान शब्द प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग में अंतर होता है। जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं इन्हें सर्वनाम, और जब ये शब्द संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की ओर संकेत करें उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परिमाणवाचक विशेषण से क्या आशय है। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों को स्पष्ट कीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा, कुछ, कम। और जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 किलो, 2 लीटर आदि। क्वेश्चन नंबर 5, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। सविस्तार समझाइए। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 किताबें, 5 बच्चे। इनमें 4, 5 ये निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, सविस्तार समझाइए। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहली मूलावस्था, विशेषण के जिस रूप से के द्वारा एक विशेष्य का सामान्य गुण प्रकट हो उसे विशेष्य की मूलावस्था कहते हैं, जैसे रुचिता सुंदर है। दूसरी उत्तरावस्था, विशेषण के जिस रूप से 2 विशेष्यों की तुलना होती है, जैसे रुचिता नीतू से सुंदर है। यहाँ रुचिता को नीतू से सुंदर बताया है तो 2 जनों में तुलना हुई। तो तीसरी है उत्तमावस्था, विशेषण के जिस रूप से एक की तुलना अनेक से की जाती है उसे उत्तमावस्था कहते हैं, जैसे रुचिता सबसे सुंदर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा
उदाहरण सहित लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कश्मीरी शॉल, ये कश्मीरी, ये बेटे व्यक्तिवाचक है, और भारतीय नारी, भारतीय भी व्यक्तिवाचक है। इस प्रकार ये हमारा व्याकरण का पाठ विशेषण खत्म हुआ। इसको ध्यानपूर्वक समझना और इसके प्रश्न उत्तर अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।